हे गाइस, कैसे हो भाई? एक्सप्लोर हेयर एंड टुडे हम लोग देखने वाले हैं नए पैच नोट्स पोकेमॉन यूनाइट के। तो भाई आ चुका है, आज ही का डेट है 14th 3 PM का, तो एक घंटे में ये पैच आने वाली है। तो भाई देख लेते हैं इसमें क्या क्या चेंज है, क्या नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी लंबा पैच नोट्स है, फटाफट देखेंगे इसको। ब्लास्टोइस का बोल रहा है रैपिड स्पिन मूव अपग्रेड, तो भाई क्या अपग्रेड है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन फिलहाल ब्लास्टोइस का कुछ अपडेट आया होगा, मतलब कुछ बफ हुआ होगा शायद। ब्लास्टोइस तो यूज़ होता नहीं है फिलहाल अभी ज़्यादा, तो भाई काम आएगा ये जरूर। मिस्टर माइम कार्ड्स भाई बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, लेकिन मेरे को बस एक लाइन डिफरेंट दिखा है इसका ओरिजिनल से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज इफेक्ट्स विल परसिस्ट एज लॉन्ग एज द टू पोकेमॉन रिमेन लिंक्ड। द लिंक विल डिसअपीयर इफ द यूजर एंड द लिंक्ड पोकेमॉन आर टू फार अपार्ट और द यूजर अटेम्प्ट्स टू टारगेट अनदर पोकेमॉन और बाय अदर फैक्टर्स। तो भाई ये लाइन एक अलग है, और इस लाइन से क्या पता चल रहा है, मतलब कि भाई मिस्टर मैम अभी गार्ड स्वैप मारेगा और अगर दूसरे पोकेमॉन का अटैक करता है वगैरह तो वो गार्ड स्वैप हट जाएगा। तो भाई ये नर्फ है बफ है मेरे को नहीं पता, ये पहले भी होता था क्या? मैं मिस्टर मैम ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ भाई, तो अगर आप मिस्टर मैम यूज़र हो तो कमेंट करो भाई इसमें क्या चेंज किया है। मिस्टर मैम का कन्फ्यूजन का डैमेज घटा दिया है भाई, ज़रूरी था, मिस्टर मैम बहुत ज़्यादा ब्रोकन था अर्ली गेम। साइकिक कंट्रोल्स एडजस्टेड, अब क्या कंट्रोल्स एडजस्टेड ये तो भाई गेम में पता चलेगा। क्रैमोरेंट टाइप डैमेज डेल्ट ओपोजिंग पोकेमॉन डिक्रीज्ड एक्शंस एडजस्टेड। भाई क्रैमोरेंट को क्यों नर्फ कर रहे हैं? क्रैमोरेंट को नर्फ की जरूरत थी क्या? क्रैमोरेंट एयर स्लैश कूल डाउन लेंथ मूव अपग्रेड क्या? अच्छा अच्छा एयर, तो मतलब एयर स्लैश को भी नर्फ किया है और डाइव को भी नर्फ किया है। तो भाई एयर स्लैश और डाइव तो नॉर्मली लोग खेलते नहीं है, अगर खेलते हो भाई तो गया तुम्हारा मूव और गया। अलोलन एंटल्स बूस्टेड अटैक कंट्रोल्स एडजस्टेड, इसका क्या भाई क्या एडजस्ट है ये तो भाई गेम में पता चलेगा। ऑरोरा विल चेंज टू हैज द यूजर लीप टू डेजिग्नेटेड लोकेशन एंड क्रिएट ऑरोरा वगैरह ऑरोरा क्या। द बूस्टेड अटैक्स रिस्टोर द यूजर्स एच पी व्हेन दे डील डैमेज। तो भाई देखो ये पढ़ के मेरे को जितना लग रहा है, हैज द यूजर लीप टू डेजिग्नेटेड लोकेशन, इसका मतलब क्या? मतलब अलोलन नाइनटेल्स अभी दूसरे जगह में जंप कर सकती है, मतलब डैश कर सकती है, फिर जंप कर सकती है, लाइक स्नोरलैक्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जंप कर दिया। तो भाई अगर ये एक्चुअली अलोलन नाइनटेल्स को जंप करने में हेल्प करती है जैसे लिखा हुआ हैज द यूजर लीप टू डेजिग्नेटेड लोकेशन, तो भाई ये बहुत मेटा चेंजिंग बात है, क्योंकि अलोलन नाइनटेल्स का एक ही प्रॉब्लम है, वो उस पर बिल्कुल मोबिलिटी नहीं है। तो अगर उसको अभी एक डैश वगैरह कुछ दे दिया तो भाई बहुत अच्छी बात है, मतलब ये अभी बहुत यूज़ होने वाली है उसके ऊपर। भाई रिस्टोर यूजर्स एच पी वंदे डील डैमेज, ये भी काफ़ी अच्छी बात है भाई। पहले उसको ऐसे ही डिफेंस मिलता है और ऑरोरा वेल के अंदर, उसके बाद अभी उसको थोड़ा हीलिंग में मिलेगा, तो काफ़ी वायबल लग रहा है मेरे को नाइनटेल से भी। लुकारियो क्लोज कॉम्बैट डैमेज डेल्ट ओपोजिंग पोकेमॉन डिक्रीज्ड इफेक्ट्स ऑन द यूजर वीकेंड। अरे भाई कितना नर्फ करेंगे इसे यार, कितना नर्फ करेंगे भाई, तुमको जितना नर्फ करना है कर लो भाई, अपन तो लुकारियो ही खेलेंगे कुछ भी हो जाए। चलो ग्रीड एंड द फॉलोइंग स्टैट्स हैव बीन डिक्रीज्ड, मूवमेंट स्पीड घटा दिया है, टैकल का कूलडाउन बढ़ा दिया है, डिफेंस कर्ल का इफेक्ट्स घटा दिया है। तो भाई ग्रीडेंट को अच्छा खासा नर्फ मिला है, उसको लॉन्च होने के बाद से नर्फ मिले ही जा रहा है, तो ये कुछ नई बात नहीं है। टैकल और डिफेंस कर नॉर्मली भाई अर्ली गेम चीज़ है, तो उसके ऊपर लोग डिपेंड करते भी नहीं है, और जो उसका मेन मूव है बुलेट सीड या फिर बेल्च उस पर तो कुछ डैमेज घटा नहीं है, तो ठीक ही बात है। मूवमेंट स्पीड थोड़ा घटा है कोई नहीं, लेकिन अनस्टॉपेबल तो रहेगा अभी भी। एल्डागॉस का दिया है कॉटन गार्ड इफेक्ट्स ऑन द यूजर वीकेंड, तो मतलब एल्डागॉस का शील्ड का सस्टेन थोड़ा कम होगा, उसका शील्ड वैसे भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था नहीं, तो पता नहीं क्यों इसको घटा रहे हैं। एल्डागॉस यूनाइट मूव कॉटन क्रैश कॉटन क्लाउड क्रश क्रैश यूनाइट मूव चार्ज रेट इंक्रीज। अच्छा 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 ये अच्छी बात है भाई, ये अच्छी बात है, मतलब एल्डागॉस का यूनाइट अभी स्पैम कर सकते हैं थोड़ा पिकाचू की तरह, थोड़ा ज़रूरी है भाई क्योंकि हीलर है, उसका मैक्सिमम हीलिंग यूनाइट से आता है, तो अगर जल्दी जल्दी आएगा तो एल्डागॉस और वायबल होगी। डेसिडुअस स्पिरिट शैकल डैमेज डेल्ट ओपोजिंग पोकेमॉन इंक्रीज्ड मूव अपग्रेड। वाह सही है सही है सही है भाई मेरे को डेसिडुअस प्लेयर से बहुत चिड़ है, लेकिन इसके बाद शायद वो और थोड़ी यूजफुल हो जाए। डैमेज डेल्ट ओपोजिंग पोकेमॉन, अच्छा ठीक है। डेसिडुअस यूनिट मूव नॉक नॉक डैमेज डेल्ट ओपोजिंग पोकेमॉन इंक्रीज, तो डेसिडुअस को थोड़ा अच्छा खासा बफ मिला है भाई, तो अभी देखना है कि इसका डैमेज कितना बड़ा है। मेरे को नहीं लगता ज़्यादा बड़ा है क्योंकि स्पिरिट शैकल का डैमेज अच्छा खासा था पहले से ही, तो अभी इसको और बढ़ा दिया पकड़ लो भाई, लुकारियो का क्लोज कॉम्बैट से ज़्यादा कर दिया तब तो भाई डेंजरस बात हो जाएगी देखते हैं भाई। जरा और वोल्ट स्विच डैमेज डेल्ट ओपोजिंग पोकेमॉन इंक्रीज्ड, अरे वाह 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 सर वाह, ये देख के मजा आया भाई। जरा और अगर बस नर्फ ही नर्फ मिल रहा था तो एक बफ देख के मेरे को मजा आया, अभी जरा और भाई चलो थोड़ा काम आएगा। ट्रेवेनेंट द फॉलोइंग स्टैट्स हैव बीन इंक्रीज्ड, मूवमेंट स्पीड
भाई मूवमेंट स्पीड दे दो उसको, फिर भी पेड़ तो पेड़ ही रहेगा, कोई काम का नहीं है। ट्रेवेनेंट वुड हैमर द मूव्स एचपी डिक्रीज हैज बीन वीकेंड। चलो लेकिन भाई एचपी घटाता क्यों है ये मेरे को अब तक समझ में नहीं आया, क्या जरूरत थी भाई, इतना बेकार मूव है, कुछ तो करता है नहीं। इफेक्ट्स ऑन अपोजिंग पोकेमॉन स्ट्रेंथ, तो मतलब वुड हैमर को थोड़ा सा बफ मिला है, शायद ज्यादा स्टन वगैरह करेगा, देखते हैं भाई। पेन स्प्लिट इफेक्ट ऑन अपोजिंग पोकेमॉन स्ट्रेंथ एंड द मूव्स मूवमेंट स्पीड इंक्रीज हैज बीन स्ट्रेंथेंड। तो भाई मतलब थोड़ा मोड़ा बफ मिला है भाई, लेकिन ट्रेवेनेंट का ना एबिलिटी डिजाइन ही इतना जीव है, तो मेरे को नहीं लगता ये बफ के बाद भी कोई यूज करेगा उसे। देखते हैं भाई, देखते हैं, कॉम्पिटेटिव में तो मेरे को नहीं लगता ये यूज होने वाला है, क्योंकि भाई ट्रेवेनेंट का कुछ यूनाइट मूव का कुछ ज्यादा यूटिलिटी नहीं है ना भाई, यूनाइट मूव ही बेकार है इसका। सरीना स्टैट इंक्रीजेस, अच्छा ठीक है। ड्रॉप किक डैमेज डेल्ट टू ओपोजिंग पोकेमॉन इंक्रीज्ड, कूल डाउन रिड्यूस्ड। स्टॉम्प डैमेज डेल्ट टू ओपोजिंग पोकेमॉन इंक्रीज्ड। अच्छा अच्छा, मतलब लुकारियो को नर्फ और सरीना को बफ, मतलब समझ रहे हो भाई, ये पुराना वाला सीन हो गया है जहाँ पे सरीना फिर से टॉप लेन में आ जाएगी और पूरा गेम लोगों को पेलती रहेगी, तो फिर देखना पड़ेगा। लग रहा है सरीना फिर से मेटा में आ रही है, लेकिन फिर भी अच्छी बात है क्योंकि बीच में नर्फ के बाद यार कोई सरीना खेल ही नहीं रहा था, थोड़ी काफी ज्यादा वीक फील हो रही थी, तो इसके बाद शायद अभी काम आएगी थोड़ा ज्यादा। लेकिन फिर भी सरीना भाई, सरीना मेटा बहुत डेंजरस था यार। डैमेज डेल्ट ओपोजिंग पोकेमॉन इंक्रीजिंग गेंगर क्यों, अच्छा नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, वो सरीना का था। अच्छा गेंगर द अमाउंट ऑफ फॉलोइंग स्टैट्स इंक्रीज एट लेवल अप हैज बीन एडजस्टेड। स्पेशल अटैक इंक्रीज एडजस्ट किया, पता नहीं बढ़ाया कि घटाया। गेंगर बूस्टेड अटैक डैमेज डेल्ट ओपोजिंग पोकेमॉन इंक्रीज। बूस्टेड अटैक भाई कौन यूज करता है। हुपा शैडो बॉल डैमेज डेल्ट ओपोजिंग पोकेमॉन डिक्रीज। इतना डैमेज था क्या हुपा का शैडो बॉल का, मेरे को तो ठीक ठाक डैमेज लगता था, तो चलो ठीक है ऊपर का डैमेज थोड़ा कम होगा। हाइपर स्पेस हॉल कूल डाउन लेंथ, लंबा खासा एबिलिटी था और बढ़ा दिया है। हुपा कन्फाइन अटैक बेसिक अटैक डैमेज डेल डिक्रीज। हाइपर स्पेस फ्यूरी, अच्छा हुपा कन्फाइंड क्या उसका, नहीं हुपा कन्फाइंड उसका स्मॉल वाला स्टेट होता है ना, अनबाउंड उसका बड़ा वाला होता है। हुपा कन्फाइंड हाइपर स्पेस फ्यूरी डैमेज डेल्ट ओपोजिंग पोकेमॉन डिक्रीज। अच्छा मतलब हुपा को अच्छा खासा नर्फ मिला है, उसके स्टैट्स को थोड़ा कम किया, और जो मेरे को लगता है बहुत सही बात है क्योंकि सपोर्टर था वो और उसका डैमेज कुछ ज़्यादा ही था, तो भाई उसका डैमेज थोड़ा कम होगा, अच्छा है। अब कितना कम करते हैं वो मेरे को नहीं पता, देखना पड़ेगा वो। एजिस्लैश सीक्रेट स्वॉर्ड फिक्स्ड बग दैट अफेक्ट्स द फॉलोइंग एरिया ऑफ इफेक्ट। बग था क्या भाई उसमें, कोई यूज करता है एजिस्लैश, कोई यूज करता है तो भाई बताओ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कोई यूज करता है। स्लो स्मोक कूल डाउन लेंथ एंड इफेक्ट वीकेंड। ये अच्छा किया भाई, ये अच्छा किया। स्लो स्मोक बहुत ज्यादा डेंजरस था, अब उम्मीद से लोग स्लो स्मोक को भाई कम यूज करेंगे तो अच्छा होगा ये। तो चलो भाई ये था अपडेट पैच जो आ रहा है भाई 3 PM, अभी भाई कुछ देर में आने वाला है। 3 PM तक ये वीडियो लाइव जाएगी कि नहीं मेरे को नहीं पता, अगर जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं जाती तो मैं 3 PM के बाद अपलोड कर दूंगा। तो भाई मिलते हैं दूसरे वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, पीस। We'll be right back.